कंसिडर इवन एनकरेज द स्टूडेंट हु आर ऑलवेज अ परफेक्ट मैच विद डिफरेंट. अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट. ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट के बारे में आप में से किसी को कोई आइडिया है तो प्लीज शेयर करें. यही था कि जब जेंडर स्टडीज़ को इन्होंने एज एकेडेमिक डिसिप्लिन मतलब स्टडी करना शुरू किया और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मतलब ये स्टडी होना शुरू हो गया, तो फिर एक डिबेट हुई थी कि इसको एक अलग से मतलब सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा या मतलब किसी और सब्जेक्ट के साथ मतलब इसको शामिल कर दिया जाएगा. तो यही था. एग्जैक्टली यही चीज थी. ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी में एक्चुअली वो लोग मतलब ये डिबेट कर रहे थे कि वुमेन शुड बी सेल्फ गवर्न और सेल्फ डायरेक्टेड, ठीक है. और इंटीग्रेशन में मतलब ये हो रहा था कि स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम विद इन. तो मतलब ये ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट की जो है वो अच्छा, साखी सही है. ऑटोनॉमी, हाँ, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट यही है ना आपके पास, कि जब जेंडर स्टडीज हमारे पास एज अ डिसिप्लिन आया, ठीक है, विमेन स्टडीज और फिर जेंडर स्टडीज, तो उस टाइम पे ये डिबेट आ गई कि अच्छा, ये तो हमारे पास इमर्ज होके एक कॉन्सेप्ट आ गया है, कोर्स आ गया है, अब इसको हम एज अ डिसिप्लिन पढ़ेंगे या हम इसको जो है तो एज अ स्पेसिफिक एज अ डिसिप्लिन पढ़ेंगे, या हर सब्जेक्ट के साथ जिसके साथ हमने अभी इसको लिंक किया है इंटर डिसिप्लिन नेचर में, उनमें से हर एक का, फॉर एग्जाम्पल आईआर में एक हम जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट डाल देंगे, हम क्रिमिनोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट डाल देंगे, हम पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट डालेंगे, बस उसमें ही पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये डिबेट उस टाइम पे हमारे पास आई, सही है, ये उसके ऊपर है. सो स्लाइड लगा दें हंसी. There is an important debate and dilemma among academics about whether or not the institutionalization of women's studies as an autonomous department at universities better sustains the development of women's studies than the incorporation and integration of women's studies into traditional disciplines as purely academic subfield. अब इसमें हम आगे जो है तो इसके हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स के वो कॉन्टेक्स्ट के बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि ये दो हमारे पास पार्टीज बन गई थी, ठीक है. एक इंटीग्रेशनिस्ट थे और एक सेपरेटिस्ट थे जो आपके पास ऑटोनॉमी के दावेदार थे, ठीक है. तो ये दोनों, इन दोनों के हम आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे और फिर हम उसके देखेंगे कि उसके हमारे पास आउटकम क्या निकला, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. The National Women's Studies Association was founded in America in 1977 to act as communications network to enable the exchange of syllabi and research as women's studies and academic discipline was the title of session of the first annual meeting of the National Women's Studies Association in 79. As women's studies programs were becoming established, practitioners debated the merits of autonomy or integration. There can be two approaches. Number one is mainstreaming, that is the integration of women's studies into existing disciplines and the incorporation of feminist perspective into the traditional curriculum. And the second approach was autonomous, कि उसको हम as a separate women's studies program कर दें, ठीक है. ये हम उस time की बात कर रहे हैं जब हमारे पास सिर्फ women's studies थे, gender studies अभी evolve नहीं हुआ था, ठीक है. तो उस time पे क्या हुआ कि हमारे पास NWSA बन गई, ठीक है, 77 में. उसकी फर्स्ट मीटिंग में हमारे पास 79 उसकी मीटिंग थी, उसमें क्या था, उसमें सबसे बेसिक वो ये था ना कि इज वुमेन स्टडीज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है. तो उसके बारे में हमारे पास फिर दो दो वो बन गए, कैंप्स बन गए, एक इंटीग्रेशन के सपोर्टर्स थे, एक ऑटोनोमस उसके सपोर्टर्स थे, ठीक है, सेपरेटिस्ट थे. एक कह रहा था कि क्या इंटीग्रेशन हमारे लिए अच्छी है वुमेन स्टडीज की, कि उसको हम अदर सब्जेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करके बस पढ़ें या फिर हम उसको एज अ सेपरेट डिसिप्लिन पढ़ें, ठीक है. नेक्स्ट. There was a debate between the feminist researchers who were active at the women's studies centers and those in the disciplines. The discrepancies between the priorities of those who first and foremost identified with the centers and those who primarily identified with the disciplines created a debate between integrationists and autonomous. ये वही बातें हैं, ठीक है. Next slide. अच्छा, women studies understanding of itself as the educational arm of the women's movement signified engagement with the politics of knowledge,
that explicitly connected teaching and research to social and political change. In short, women's studies offered feminist politics and institutional location. By the end of 1960s, the teachings of women's studies had started in some universities of America. The teaching was institutionally anchored in the new type of the so-called women's studies centers. This model inspired other countries to start such centers. ये जब हम women versus gender studies जो बात कर रहे थे ना lecture, उसमें यही था कि हमारे पास पहले वो as a course आया, फिर हमारे पास जो था तो वो पूरा एक प्रोग्राम बन गया, फिर उसके बाद वो एक PhD प्रोग्राम बन गया, ठीक है, और उसके ये 98 तक ये चीज हुई थी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि उसके बाकायदा डिसिप्लिन के तरह उसको ट्रीट किया जाने, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बन गए। बिफोर 70s हमारे पास वुमेन्स स्टडीज जो थी उसके लिए सिर्फ मतलब कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था, एक वुमेन्स स्टडी सेंटर होता था जिसमें इन इन पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, 70 में हमारे पास वुमेन स्टडीज का पहला प्रोग्राम आया था सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी में। 98 में हमारे पास PhD प्रोग्राम्स आ गए थे कनाडा और US में, और फिर टुडे वुमेन स्टडीज इज टॉट इन मोर देन 700 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग दोज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं। हाँ हाँ ठीक है, नहीं ये हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ना है अभी, ये वाला स्लाइड आपने बताना है अभी। अच्छा हाँ ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि हमारे पास वुमेन स्टडीज आ गया, ठीक है। अब वुमेन स्टडीज में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, नहीं वुमेन स्टडीज के आने से पहले क्या हुआ, सोशियोलॉजी के जो जिसमें सोशियोलॉजिस्ट जो फेमिनिस्ट थी उन्होंने वुमेन सेंटर्ड जो है तो लिटरेचर जो है सोशियोलॉजी में लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह हर फील्ड में जो जो मतलब फेमिनिस्ट थी उन्होंने वुमेन सेंटर्ड टॉपिक्स को उसी सब्जेक्ट के लेंस से देखना और उसको लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दैट हमारे पास काफी डाटा जमा हो गया था, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशनिस्ट का क्या कहना था, उनका कहना ये था कि ये हर सब्जेक्ट में, अगर हर सब्जेक्ट में एज अ कोर्स हम उसको रख रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं वुमेन स्टडीज को, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट वाला उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको एक अलग सब्जेक्ट बना देंगे तो फिर वो लोग सिर्फ हमारे पास वुमेन स्टडीज पढ़ेंगे, फिर उसमें गौर हमारे पास पॉलिटिकल साइंस भी हो उसने पढ़ी होगी और साइकोलॉजिस्ट भी होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब हम उसको अलग अलग डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशनिस्ट कह रहे थे, तो इससे इसका जो वो होगा इसमें हमारे पास और डाटा आएगा और हर एक पर्सपेक्टिव से इसमें ज्यादा काम होगा। हमारे पास वुमेन स्टडी ये जो इंटीग्रेशनिस्ट थे ना, इनका ये भी कहना था। नेक्स्ट स्लाइड। इंटीग्रेशनिस्ट का ये भी कहना था, इंटीग्रेशनिस्ट वो थे जो कह रहे थे कि हमें इसको मतलब हर उसके साथ इनकॉर्पोरेट ही रखना है, अलग डिसिप्लिन नहीं रखना। उनका कहना ये भी था ना कि सिंस वुमेन स्टडीज जो है ये अभी एक नई फील्ड है, ठीक है, तो बहुत नेसेंट है, तो उसमें अभी हमारे पास इतना रिसर्च, इतना एविडेंस बेस्ड रिसर्च हमारे पास नहीं है कि हम उसको एक अलग डिसिप्लिन का दर्जा दें। तो अगर इसको हम इंटीग्रेटेड ही रखें तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेशनिस्ट का कहना था। अब हमारे पास सेंट्रल क्वेश्चंस क्या आते हैं डिबेट के। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये जो तीन क्वेश्चंस थे ना, तीनों का एक ही मतलब था, लेकिन कान को कभी यहाँ से पकड़ा तो कभी ये सर से हाथ फेर के दूसरी साइड से पकड़े, वही बात है। बस इनका कहना यही था कि इसको हम एक अलग डिसिप्लिन की तरह रखें या ना रखें, सही है, बेसिक क्वेश्चन इनका यही था। तो उस टाइम पे क्या हुआ हमारे पास के जब ये क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन के रिजल्ट में हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए, इंटीग्रेशनिस्ट्स और हमारे पास सेपरेटिस्ट या ऑटोनॉमी के जो सपोर्टर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, इंटीग्रेशनिस्ट का क्या कहना था, वो कह रहे थे ना कि
इनका कहना यह था कि हमें एक एज ए सेपरेट डिसिप्लिन लेना, ठीक है, जेंडर स्टडीज जो है, तो हम ये इन्होंने अपने लिए एक अलग इलाके, वो अपन कहा कि हमें बस पूरा एक अलग डिपार्टमेंट दे दो, हमें इसको एज ए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कर दो, तो बस हम सिर्फ इस पे हम बात करेंगे. तो उनका कहना क्या था, उनके पॉइंट्स क्या थे, वो कहते थे कि अगर हम ऑटोनॉमी क्या करेगी कि अगर हम ऑटोनॉमी नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशनिस्ट का कहना था कि हमने उसको इंटीग्रेट करना है, उसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन नहीं रखना, सॉरी. तो उनका कहना ये था कि अगर तो इसके काउंटर करने के लिए जो एंटी ऑटोनॉमी की हम बात कर रहे हैं ना, एंटी ऑटोनॉमी स्कॉलर्स, यानी जो हमारे पास सेपरेटिस्ट थे, सेपरेटिस्ट का कहना ये था कि अगर हम ऑटोनॉमी नहीं करेंगे और उसको हम इंटीग्रेटेड रखेंगे ना, तो हमारे पास जो जो ये विमेन स्टडीज है ना, ये हमारे पास मार्जिनलाइज हो जाएगा. मार्जिनलाइज कैसे होगा कि हर एक सब्जेक्ट वाला जो है, तो अब सोशियोलॉजी वाला है तो वो उसके पास हजार मसले और हैं सोशियोलॉजी के डील करने की, वो कब तक विमेन स्टडीज के बारे, मतलब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से उसको पता रहेगा सोशियोलॉजी को, वो मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है, बस वो एक स्पेसिफिक टाइम उसको देगा और फिर मूव ऑन कर जाएगा उससे, ठीक है. अगर एक साइकोलॉजी वाला है तो उस वो बस अपनी एक थ्योरी के साथ उसको लिंक करके छोड़ देगा, बाकी उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं करेगा, ठीक है. तो ये ऑटोनॉमी वाले कह रहे थे, ठीक है, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन क्या कह रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट था कि हम इसके लिए जो है तो स्टेप्स लें, ताकि जब तक हम एक डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन जब तक हम नहीं लिखते, तो तब हमारे तब तक हमारे पास ये अच्छा, तो हमारे पास ऑटोनॉमी वाले क्या एंटी ऑटोनॉमी स्कॉलर्स जो थे, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास अगर हम इसको ऑटोनॉमी दे देंगे ना, इंटीग्रेशनिस्ट कह रहे थे कि अगर हम इसको ऑटोनॉमी दे दें जेंडर विमेन स्टडीज को, कि आप एक अलग डिसिप्लिन बना लें, तो वो क्या कर जाएगा, वो बस एक साइड पर चला जाएगा, ठीक है. और इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है, तो वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया, आई एम सो सॉरी, मैं खुद कंफ्यूज हुई थी. तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप इसको करेंगे तो आप उसको बस एक जमघटा बना देंगे, अगर आप एक जगह पे सारे को वो करें, जेंडर्स वो विमेन स्टडीज को करें और हर पर्सपेक्टिव से करें, तो ऐसे जमघटा बना देंगे आप लोग, और फिर वो उसका जो वो विमेन स्टडीज का जो मल्टी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, वही खत्म हो जाएगी, वो हर डिसिप्लिन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेगा, सही है. उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इस अगर हमने इसको विमेन स्टडीज जो है, तो उसके ऊपर हमने काम करना है, लेकिन अगर हम उसको इंटीग्रेटेड रखेंगे तो उसका हमारे पास क्या होगा फायदा, कि अगर हम हर सब पर्सपेक्टिव से उससे पढ़ेंगे तो उसमें और हमारे पास एनहांसमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है. और उनका कहना ये था कि हम हर डिसिप्लिन का जो है, हर डिसिप्लिन जो है उसमें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऐड करेगा, ठीक है, ये नहीं कि नहीं करेगा, वो करेगा, सही है. These scholars firmly believe that scholarship and professional identity should be mainly in the firmly established disciplines. इनका कहना ये था कि आपके पास already established disciplines हैं, ठीक है, आपके पास for instance psychology है, sociology है, political science है, वो आपके पास already established चीजें हैं. अगर आप उन already established चीजों में उसको जो है तो integrate कर देंगे ना, तो ये हमारे पास women studies के लिए best रहेगा. ये कहना था integrationists का, ठीक है. वो कहते थे कि ऑलरेडी आपके पास बेस है, मौजूद बेस है, बस उसके साथ आपने सिर्फ फेमिनिज्म को लिंक करना है, उसमें इंक्लूड करना है, तो वो हमारे पास इतना मुश्किल काम नहीं है, सही है. जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने कहा था कि जेंडर स्टडीज एक नया, विमेन स्टडीज एक नया सब्जेक्ट, एक नया कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास इसके लिए इतनी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड वो नहीं है इंफॉर्मेशन, तो अभी हम इसको एक अगर डिसिप्लिन करेंगे तो ये जाती हूँ, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. Integrationists claim that only when women's studies permeates the mainstream of the curriculum will mainstream change and be more women-centered. ठीक है. Furthermore, proponents of this position claim that separatism equals segregation. कोई इसको एक्सप्लेन करेगा, इसलिए क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, सब सो गए हैं शायद. अच्छा, इसका मतलब ये है ना कि इंटीग्रेशनिस्ट्स कह रहे थे ना
कि अगर आप कह रहे हैं कि हम एक अलग वो बना रहे हैं, हम इसको डिसिप्लिन बना रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है अगर आप बना लेंगे तो उससे क्या हमारे पास मसला आ जाएगा? उससे मसला ये आ जाएगा कि बस वो बिल्कुल एक वुमेन सेंटर्ड सब्जेक्ट बन जाएगा, बस उसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों के मसाइल ही होंगे, और उसमें और डिसिप्लिन के साथ आप उसको लिंक नहीं कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि वो जो बाकी डिसिप्लिन हैं वो अब जैसे साइकोलॉजी वाले हैं, ठीक है, वो उनको पता है कि उनको उनकी बेसिस क्लियर होती है, सही है, तो वो अगर उसमें फेमिनिज्म को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं ना, तो उनको बेसिक थेरीज का पता होगा, ठीक है, तब वो उसको इजीली उसके साथ लिंक कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई बंदा विमेन स्टडीज पढ़ रहा है और उसके पास बाकी चीजों के कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, तो आप क्या कर रहे हैं फिर उसके साथ? फिर तो आप उस तरह उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आपको इसमें अगर मैं सोशियोलॉजी के साथ इसको कनेक्ट करके आपको जेंडर स्टडीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरा सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड है, हुरिया का सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड है, वो आकर जिस तरह वो इसके साथ लिंक करेगी उस तरह मैं नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि उसको अपने सब्जेक्ट का पता है, और फिर अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड वो किस अपने सब्जेक्ट के साथ किसी और चीज को वो रिलेट कर सकती है, जबकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है तो मैं उस तरह नहीं कर सकती. सही है, यही इंटीग्रेशनिस्ट का ये आर्ग्यूमेंट था कि अगर आपके पास बेस उस चीज की नहीं है, लेकिन अगर आप फिर तो फिर जब आप इसको अलग डिसिप्लिन बना लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके साथ लिंक कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है. तो इट्स बेटर कि आप उसको वेल एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन के साथ ही पढ़ लें, ठीक है. उन्होंने ये कहा कि जो सेपरेटिज्म है वो इट्स इक्वल टू सेग्रीगेशन, आप उसको सेग्रीगेट कर देंगे, हमसे बिल्कुल अलग कर देंगे, सही है, और फिर उसमें हमारे पास उस तरह आउटकम नहीं निकलेगा, वो बस टोटली वुमेन सेंटर्ड हो जाएगा. ये इंटीग्रेशनिस्ट के आर्ग्यूमेंट समझ आ गए आप लोगों को? जी जी आ गए. जी जी चले ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, अब हमारे पास आ गए जो के सेपरेटिस्ट थे, ठीक है, प्रो ऑटोनॉमी जो थे. तो सेपरेटिस्ट आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से थे? इनका कहना क्या था कि आप ह्यूमन स्टडीज को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन आप जो है तो रिकॉग्नाइज करें. तो इसमें सबसे पहले क्या था कि सेपरेटिस्ट कह रहे थे कि इस फील्ड की ऑटोनॉमी होनी चाहिए. ऑटोनॉमी क्यों होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि उसकी बेसिस पे हम जो है तो डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं. डिसीजंस कौन कौन से हो सकते हैं? हायरिंग कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से, रिसोर्सेज हमारे पास होंगे अपनी मर्जी से, और यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में हमारी एक पोजिशन होगी, ठीक है. इसके अलावा हम फेमिनिस्ट थीरीज और मेथडोलॉजीज को हम बहुत डिस्टिंक्टली कल्टिवेट कर सकते हैं. यानी वो कहते हैं कि हम एक पावर पोजिशन में आ जाएंगे तब, क्योंकि जब एक डिसिप्लिन को आप रिकॉग्नाइज कर देते हैं, ठीक है, आप एक चीज को आप एक डिसिप्लिन का रुतबा दे रहे हैं, तो उसमें जब वो पूरा डिपार्टमेंट बनेगा उसमें लोग हायर होंगे, वो आपकी मर्जी से आएंगे, ठीक है, उसमें फंडिंग्स होंगी, उसकी वजह से एक डिसिप्लिन सामने आएगा तो उसमें और लोग एडमिशन लेना शुरू करेंगे. तो जितना आप उसको बड़ा लेवल पे लेके जाते जाओगे उतने ही ज्यादा लोगों तक वो अपने कॉन्सेप्ट जो है तो पहुंचाता जाएगा, सही है. On the pro-autonomy side, यानी जो separatists हैं, developing a visible professional identity and power base in order to secure a teaching program, staffing, budget and independent decision-making body are thought to be important in legitimizing feminist scholarships and guaranteeing its future. ठीक है, ये वही बात है जो मैंने अभी बताई आपको. Next slide. अच्छा. They reflected the legacy of suspicion of the academia's patriarchy and argued that institutional marginality was necessary in order to preserve the field's connection to the women's movement. इनका कहना ये था ना कि जो हमारे पास education sector में, academia में आपके पास patriarchy exists करती है ना, तो इनका कहना ये था कि वो नहीं चाहते कि एज अ सेपरेट डिसिप्लिन सामने आ जाए. क्यों? क्योंकि वो फिर वो लोग उन कॉन्सेप्ट को, अगर इसका सिंपल मतलब ये है ना कि अगर जो मर्द हैं उस सोसाइटी में, वो उसमें वो सोशियोलॉजी तो इजीली पढ़ा लेंगे क्योंकि उसमें दोनों की बात हुई है, ठीक है, और वो बाकी सब्जेक्ट्स इजीली पढ़ा लेंगे. उसमें जो वेमेन का पार्ट है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, कोई मेजर पार्ट नहीं है. लेकिन वेमेन स्टडीज की जब हम बात करेंगे तो वो तो स्पेसिफिकली वेमेन के बारे में बात करेगी. हाँ, ऑब्वियसली वो औरों के बारे में भी बात करेगी, लेकिन स्पेसिफिकली वो वेमेन स्टडीज, उसमें जेंडर स्टडीज में फिर हमारे पास और चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है. इस टाइम हम वेमेन स्टडीज की बात
करते रहे. तो कह रहे थे कि जब विमेंस आज जब विमेन स्टडी आ जाएगी तो फिर वो उसमें सिर्फ विमेन के बारे में बात होगी, तो इसलिए वो इसको काउंटर करते हैं कि विमेन के बारे में बात इस तरह ना हो. सही है. अच्छा, दे कंटेंडेड दैट इंटीग्रेशन वुड रिजल्ट इन कोऑप्टेशन बाय द वेरी इंस्टीट्यूशन दैट हैड एक्सक्लूडेड वुमेन. इनका यही था कि इंटीग्रेशन आप करेंगे तो वो जो जिस सब्जेक्ट में होंगे, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी है, हमने कहा था कि इनिशियली सोशियोलॉजी में वुमेन का कोई जिक्र नहीं था. ठीक है, हम हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी पेट्रियार्की है. ठीक है, वो हम सबको पता है, वो अभी एग्जिस्ट करती थी, वो तब भी एग्जिस्ट करती थी. तो उस वो जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है ना, उन्होंने क्या किया, हमने जब बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर जब मैंने आपको सोशल कंस्ट्रक्शन में पढ़ाया था कि उन्होंने जो मेन थे उन्होंने लिटरेचर को भी खुद लिखना शुरू कर दिया, फोक स्टोरीज भी खुद लिखना शुरू कर दी, हर सेक्टर में जो था तो उसको उन्होंने जो था उसको अपने हाथ में ले लिया. ठीक है, तो फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे. अगर वो लिखना चाहते थे तब भी वो मेन को ग्लोरीफाई करके वुमेन को डिग्रेड करके लिख सकते थे, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता उस चीज था. ठीक है, तो उन्हें तो ये लोग कहते थे कि वो सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी हमारे पास पेट्रियार्कल माइंडसेट के ऊपर बेस्ड थे, अगर उसमें हम विमेन का पार्ट थोड़ा सा ऐड कर भी देना तो कोई इतना फायदा उसका नहीं होगा. हाँ, इसका बहुत फायदा होगा कि हम उसको एक अलग से पढ़ें. ठीक है, और अगर हम उसको इंटीग्रेट करके पढ़ रहे हैं तो बस फिर इसका मतलब तो यही कि हम उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिन्होंने हमें पहले ही एक्सक्लूड किया हुआ था. Separatists follow that conviction that women's studies is an entity in itself and that it should be studied as a unit rather than scattered throughout all the other disciplines. Similarly, they argue that while the content of women's studies is interdisciplinary in nature, it is as a whole greater than and different from the sum of its parts. Iski samajh aa gayi ya main isko explain karu? Yes or no, तो कह देना. मुझे तो आ गई है, आ गई, बाकी का मुझे नहीं पता. चलें ठीक है. आप लोग ऐसे आदम बेजार बैठे हैं ना कि मुझे खुद नींद आ गई है. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, उनका एक और आर्ग्यूमेंट, दे आल्सो क्रिटिसाइज दैट द इंटीग्रेशनल स्टांस ऑन द पार्ट ऑफ मेन दैट मेन फियर दे विल नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू वुमेन. एक्सेस इज वन ऑफ द फेसेस ऑफ पावर, द स्लेव हु एक्सक्लूड्स द मास्टर फ्रॉम हर बट thereby declares herself not a slave. ठीक है, इनका यही बातें थी कि पेट्रियार्कल सिस्टम है आपके पास एजुकेशन में भी, और वो जो है तो उनको ये डर था कि अगर हम इनको अलग डिसिप्लिन बनाने दे दिया तो हमारे उसके ऊपर कोई एक्सेस नहीं, क्योंकि हम बाकी डिसिप्लिन में उनको कंट्रोल कर सकते थे अगर ये इंटीग्रेटेड होगा, लेकिन अगर ये अलग से आके होके सामने आएगा ना तो फिर ये मसला बन जाएगा. In the context of women's studies, what separatists were saying was that the traditional male content and methodology will have access to the field only insofar as they are relevant to the body of knowledge and now developing in women's studies. अच्छा, वुमेन स्टडीज में सेपरेटिस्ट ये कह रहे थे कि हाँ, इसमें हम मेन स्टडीज को भी इंकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन उतनी हद तक जितनी उसकी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं, बस जो जितना उसका कॉन्सेप्ट उसके साथ रिलेट कर रहा है उतना ही, बाकी उसके ऊपर हम कोई सेपरेट इतने बड़े बड़े कोर्सेज नहीं लिख सकते. अच्छा, व्हाइल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटीग्रेशन वुमेन सेंटर्ड वैल्यूज कॉन्टेंट एंड मेथड वुड बी एलिमिनेटेड, हेंस ऑटोनॉमी इज द वे टू गो. सेपरेटिस्ट का ये कहना था कि अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हर एक सब्जेक्ट में हमारा अलग अलग पार्ट रहेगा. ठीक है, मिल के हमारा कोई ऐसी चीज नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पास वुमेन सेंटर्ड वैल्यूज हैं, कंटेंट है, मेथड्स है, वो एलिमिनेट हो जाएंगी. तो इसलिए वो कहते हैं कि ऑटोनॉमी बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि वो सब कुछ हमारे पास एक जगह पे मौजूद होगा. सही है, नेक्स्ट स्लाइड. Or the advantage of separate women's studies departments that feminist perspectives would not be lost or deprioritized. Acha, ab ye jo do examples hai na, isse hamare paas do baatein hoti hain ki ye jo integrationists hai na, separatists hain, to unke arguments wo isse wo apne aap arguments ko strong kar rahe hain ki jab ye kehte hain na ki jab hum abhi keh rahe hain na ki वुमेन स्टडीज को आप एक एज अ सेपरेट डिसिप्लिन आप वो रिकग्नाइज कर लो ना, तो इतने ज्यादा हमें जो है तो आर्ग्यूमेंट्स के जवाब देने पड़ रहे हैं.
ठीक है, अगर ये चीज तो उस टाइम पे नहीं हुई जब पॉलिटिकल साइंस एक अलग डिसिप्लिन बन के सामने आया, एक सोशियोलॉजी अलग डिसिप्लिन सामने आया, साइकोलॉजी अलग डिसिप्लिन, उस टाइम पे तो किसी ने बात नहीं की। लेकिन जब अब वेमेन के बारे में बात आ रही है तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं इसको अलग होना दें? क्यों? क्योंकि वो भी एक सेपरेट डिसिप्लिन की हैसियत रखता है और उसमें इतनी अहलियत है कि वो एज ए सेपरेट डिसिप्लिन उसको पढ़ा जाए, सही है? तो उन्होंने कहा कि जब बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में आप ये नहीं करते तो फिर हमारे बारे में ये ना करें, ठीक है? ये अगर हम वुमेन स्टडीज पढ़ना चाह रहे हैं और हम उसको एज ए डिसिप्लिन रखना चाह रहे हैं तो फिर हमें रखने दिया जाए, जैसे कि बाकी डिसिप्लिन हैं वो सोशल साइंसेज में आ रहे हैं और हमारे पास आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के जितने सब्जेक्ट्स वो आ रहे हैं उसको उस तरह आप रख रहे हैं तो फिर आपने वुमेन स्टडीज को भी वो करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना है, रिकग्नाइज करना है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरे ये क्या कह रहे थे, दूसरे ये कह रहे थे ना, ये इन्होंने एग्जांपल दी थी कि रिलीजन डिपार्टमेंट्स वुड नॉट बी डूइंग सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन इफ देयर हैड नॉट इमर्ज्ड अ सेल्फ डिफाइंड एंड ऑटोनॉमस डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी व्हिच डिटरमिन इट्स ओन कंटेंट एंड मेथड्स। What is it about separatism that is positively assessed when undertaken by the now traditional disciplines? ठीक है, that is a response is positive when separatism discussing a discussion relates to the now traditional disciplines such as sociology, but the response is negative when the separatism discussion relates to women's studies. ये कह रहे थे ना कि जब अब for example इन्होंने ये example ली ना कि religion department जो थी तो वो sociology of religion पे कभी बात नहीं करते जब तक कि sociology ने खुद अपने methods और उससे इस तरफ उनको इस तरफ उनका ध्यान नहीं खींचा, ठीक है? जब उन्होंने उसको अट्रैक्ट किया अपने अपने मेथड्स और आर्ग्यूमेंट से तभी उन्होंने उसकी तरफ देखा। तो अगर इस तरह हम विमेन स्टडीज को ले आए ना तो विमेन स्टडीज अपने लिए खुद जो उनके मसाइल हैं और जो दूसरे डिसिप्लिन के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं ना हम, तो वो हम कर सकते हैं बहुत ईजिली, हम क्योंकि हमें अपने सब्जेक्ट के अभी हमारी अपनी मेथडोलॉजी होगी, हमारा अपना कंटेंट होगा, ठीक है? तो वो यही बात कर रहे थे और ये कहते थे कि जब उसके बारे में आपने बात नहीं की तो फिर अभी बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की तो फिर आप हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात ना करें कि ये सब्जेक्ट नहीं आ सकता, सही है? नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये लड़ाइयाँ चलती रहीं कि हाँ सेपरेटिस्ट होना चाहिए यानी ऑटोनोमस वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक है? और एट दी एंड हमारे पास क्या आउटकम है इसका कि हमारे पास कहीं पे इंटीग्रेटेड भी हैं और कहीं पे हमारे पास सेपरेटिस्ट भी हैं, ठीक है? राइट नाउ हमारे पास दोनों चीजें चल रही हैं। हम जो है तो जेंडर स्टडीज अब बन गया वेमेन स्टडीज ना, तो जेंडर स्टडीज हम अब पढ़ भी रहे हैं, ठीक है? हमारे पास पेशावर यूनिवर्सिटी में भी है, इस्लामाबाद में भी है, मुल्तान में भी है, बहावलपुर में भी है और लाहौर में भी है, हर जगह पे है। आई गेस 11-12 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में जो है तो वो इस वक्त जेंडर स्टडीज पढ़ा रही हैं, ठीक है, एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, अपना उनका पूरा डिपार्टमेंट है। और उसके अलावा जो हमारे पास अब जैसे हुरिया ने बताया था कि उसने सोशियोलॉजी में भी फेमिनिज्म पढ़ी है, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है वो साइकोलॉजी में फेमिनिज्म पढ़ रही है, ठीक है। हम जब क्रिमिनोलॉजी का कर रहे थे तो हम जेंडर एंड क्राइम का पढ़ रहे थे, ठीक है, आईआर साथ पढ़ा रहा था तो उसमें हमने फेमिनिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो इंटीग्रेटेड भी है हमारे पास और वो सेपरेटिस्ट भी है, ऑटोनोमस भी है, ठीक है? तो वो दोनों चीजें हमारे पास को एग्जिस्ट कर रही है इस टाइम पे। तो ये जॉइंट अप्रोच में यही था कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट वुमेन स्टडीज हैज प्रोलिफरेटेड फॉर ओवर टू डेकेड्स इट्स स्टेटस कंटिन्यूज टू बी मार्जिनलाइज्ड इन यूनिवर्सिटीज, वुमेन स्टडीज हैज एग्जिस्टेड एट शैडो स्ट्रक्चर अ वल्नरेबल एंड नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट विद मीगर फंड्स व्हेन कंपेयर्ड टू द हाईली विजिबल सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स। At present, most contend that autonomy versus an integration can coexist so that an administratively distinct program and department can cultivate specifically feminist scholarship and teaching and simultaneously work to transform various disciplines and departments. Or over the next slide. Over the years, therefore, the debate led to a both or and strategy, both integration into disciplines and a development interdisciplinary centers. After discussing the ways in which women's studies is both like and unlike other disciplines, the famous feminist Jane Fox, he concluded that it is both a discipline and interdisciplinary field. Say yeah. जी सही, हमारे पास कोएग्जिस्ट, हाँ कोएग्जिस्ट कर रही है दोनों चीजें एज अ डिसिप्लिन और इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी हैं।
लेकिन बस मसला ये है कि एज अ डिसिप्लिन अगर हमारे पास एग्जिस्ट करें तो उसको फंड्स की बहुत कमी है, ठीक है, और इसके अलावा जो है तो अभी तक वो मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, इतना कोई उसको वो नहीं कह रहा. तो ये हो गया हमारे पास ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट. अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. क्लियर है ये? चलें ठीक है. हाँ सी रिकॉर्डिंग.